ये रिलेशनशिप की शुरुआत ये बहुत ही एक्साइटिंग और पैशनेट होती है, पर क्या यही पैशन एक्साइटमेंट हमेशा के लिए ढूंढना सही है? क्या इससे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाई जा सकती है? उस एक्साइटमेंट के लिए क्या हमेशा न्यू चीजें ढूंढना सही हो सकता है? इसी कंसेप्ट को लेकर 2017 की न्यूनेस ये मूवी आती है। मॉडर्न डे डेटिंग सिनेरियो और रिलेशनशिप को एक सही तरीके से एक्सप्लोर करती है। इसका एंड बहुत ब्यूटीफुल है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। और बिना किसी देरी के इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर मार्टिन और गाबी ये दोनों हमें दिखाए जाते हैं। इनकी लाइफस्टाइल में ये डेटिंग ऐप पर स्वाइप कर रहे थे, जो भी इन्हें अच्छा लगता है उनके साथ वो इंटीमेट हो जाते हैं। मार्टिन एक हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट है, उसके एक कलीग है जिसका नाम है जोना। जोना अपना हायर एजुकेशन करने के लिए अब यहाँ से जाने वाली थी। उसे कहती है, आज मेरा लास्ट डे है, मेरे साथ पार्टी में चलो। मार्टिन इस पर जरा सोचता है, फिर उसे कुछ और काम थे तो उसने मना कर दिया। यहाँ पर उसने जोयना को भी नोटिस किया, पर फिर भी वो अपनी डेटिंग ऐप पर स्वाइप करने लग गया। पैरेलल में हम गाबी को देखते हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। ये दोनों आज भी स्वाइप कर अपने लिए डेट ढूंढ लेते हैं। डेट पर जाने से पहले मार्टिन अपने फ्रेंड्स के साथ था। उसमें से एक फ्रेंड ने मार्टिन के एक्स वाइफ के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया। कह रहा था मार्टिन का एक टाइप है, मार्टिन अपनी एक्स वाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, उसे इसके बारे में बात करना थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता, तो अपने फ्रेंड्स को छोड़कर वो चला जाता है। वो अपनी डेट से मिला और बहुत सारी बातें उसने की। पैरेलल में गैबी भी अपनी डेट से मिलती है, उसके साथ वो उसके घर पर चली गई। ये दोनों इंटीमेट तो हुए, पर गैबी सेटिस्फाइड नहीं थी, वो ऐसे ही घर पर आ गए। मार्टिन भी अपनी डेट को घर लेकर जाता है, पर वो जरा बीमार लग रही थी। वो लड़की कहती है कि मैंने जरा ज्यादा ही पिल्स ले लिए। मार्टिन उसके लिए वरीड हो गया, वो सिर्फ उसका ख्याल रखता है और ये डेट यही खत्म हो गई। अब तक ज्यादा रात नहीं हुई थी और मार्टिन और गैबी ये दोनों आज रात अकेले थे। इन्होंने फिर से अपना डेटिंग ऐप खोला और स्वाइप करना स्टार्ट किया। दोनों एक दूसरे को इंटरेस्टिंग लगे तो इनका प्रोफाइल भी मैच हो गया। मार्टिन गैबी को मैसेज करता है, कहता है मैं कुछ भी सीरियस नहीं चाहता, विदाउट स्ट्रिंग्स वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। गैबी भी यही चाहती थी तो ये दोनों बार में मिले। मार्टिन कहता है हम मेरे घर जा सकते हैं, पर गैबी उसके साथ पहले ड्रिंक करना चाहती थी। मार्टिन इस डेटिंग ऐप के बारे में उससे बात करता है, कहता है कभी कभी लगता है कि मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सिर्फ उसके लुक्स को देखकर लड़कियां उसे स्वाइप राइट करती है, कोई भी उसे एक्चुअल में नहीं जानता, फिर भी ये नीड थी तो इसलिए वो यूज कर रहा था। गैबी भी इसे एग्री करती है। इसके बाद बातों बातों में हमें पता चलता है गैबी ने 2-3 डिग्रीज लेकर रखी है। उसे हमेशा कुछ ना कुछ न्यू करना अच्छा लगता है, इसलिए अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करती रहती है। मार्टिन अपने करियर को लेकर ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, उसे लगता है कि वो एक जगह पर स्टक है, यहाँ से निकलने के लिए वो कुछ करने भी नहीं वाला। ऐसे बहुत सारी बातें इन्होंने की, फिर डांस किया, बार में कुछ गेम्स खेले। इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगी। ये दोनों जब बाहर आए तो गैबी उसे सच सच बता देती है कि वो किसी और के साथ डेट पर थी। मार्टिन कहता है इसे मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। गैबी को लगा था इनकी डेट यही खत्म हो जाएगी, पर मार्टिन उसे डिनर के लिए पूछता है। ये दोनों और भी टाइम एक साथ गुजारते हैं। मार्टिन और गैबी, इन दोनों के फ्यूचर में बच्चे चाहिए, पर गैबी इसके लिए शादी नहीं करना चाहती है। इनकी नाइट बहुत अच्छी थी तो मार्टिन के घर पर आई, ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह का भी मार्टिन की बचपन की फोटोज देखती है। ये दोनों मिलकर शावर करते हैं। मार्टिन उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। गैबी को स्क्रैम्बल्ड एग्स पसंद नहीं है, पर मार्टिन कहता है तुम्हारे लिए मैं स्पेशल बनाऊंगा, तुम्हें अच्छे लगेंगे। गैबी को कभी भी पसंद नहीं आते थे, पर आज उसे अच्छा लगा। वो मार्टिन से पूछती है इसमें स्पेशल क्या है। मार्टिन कहता है बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है पर उन्हें परफेक्ट करना पड़ता है। वेल एक्चुअली ये मूवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। आज इन दोनों का डे ऑफ था तो डिसाइड करते हैं एक साथ बिताएंगे। ये अलग अलग जगह पर गए, पेंटिंग्स देखी, बहुत मजे किए। गैबी फिर अगली सुबह ही अपने जॉब पर जाती है। ये दोनों फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से मिलने लग गए। इनका एक साथ रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मार्टिन गैबी से उसके घर में मूव इन करने के लिए पूछ लेता है। ये सब बहुत फास्ट था, पर गैबी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, इसके लिए वो हाँ कह देती है। इसके बाद ये मूवीज देखते थे, अलग अलग जगह पर जाते थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइम बिताते थे। एक दिन मार्टिन गैबी को अपने बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ से मिलवाता है। इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर मार्टिन के बेस्ट फ्रेंड को भी अच्छा लगा।
एक दिन जब गैबी मार्टिन के साथ इंटीमेट होना चाहती थी तो मार्टिन इसके लिए एक्साइटेड नहीं था। वो कहता है, आज मैं जरा थक गया हूँ। इसके ही अगले दिन मार्टिन गैबी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। गैबी और मार्टिन के फादर मिलकर कुक कर रहे थे। यहाँ फादर से गैबी को पता चला कि मार्टिन की मदर को डायमेंशिया है, उसे कोई भी चीजें सही से याद नहीं रहती। गैबी के लिए सरप्राइज था, मार्टिन को ये चीज उसे बतानी चाहिए थी। घर में गैबी ने नोटिस किया कि मार्टिन के बचपन में उसकी सिस्टर के साथ फोटोज है। मार्टिन ने अपनी सिस्टर के बारे में कभी भी उससे बात नहीं की थी। ये सब जब लंच कर रहे थे तो मार्टिन की मदर मार्टिन की एक्स वाइफ के बारे में पूछती है। ये सब कुछ गैबी के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था। वो मार्टिन से पूछती है तो कहता है, घर जाकर हम बात करेंगे। घर आने पर वो बहुत गुस्सा थी, कहती है, तुमने अपनी सिस्टर के बारे में, अपनी मदर के बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें मुझे सब कुछ चीजें बतानी चाहिए। मार्टिन कहता है, ये सब मेरा पास्ट है, तुम्हें इससे बारे में जानना क्यों है? गैबी उसे इरिटेट कर रही थी। मार्टिन हार मानकर बता देता है, उसकी सिस्टर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। इसके बाद उसकी फैमिली पहले जैसी कभी भी नहीं रही। ये उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था, पर फिर भी उसे बात करनी पड़ी। इस पर वो गैबी पर भी गुस्सा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मार्टिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ था। उसका बेस्ट फ्रेंड उसे पूछता है, क्या तुम गैबी से प्यार करते हो? मार्टिन कहता है कि हाँ। उसने मार्टिन से कहा, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को बेबी हुआ है। मार्टिन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, इनका ब्रेकअप हुए 10 साल हो चुके हैं, पर फिर भी वो इस पर बिलीव नहीं कर पाता। गैबी जब काम पर थी तो उसके यहाँ एक पेशेंट आया। वो गैबी को पहचानता है क्योंकि उसी के बारे में वो हमेशा आया करती है। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ काम करती है, तो उसे देखकर वो बहुत सरप्राइज था। उसके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट वगैरह हो गई तो फिर से गैबी से मिला। उसे कहता है, आज रात मेरे यहाँ पार्टी है, अगर गैबी इस पार्टी में आई तो एक सेलिब्रिटी से उसे वो मिलवाएगा। वो गैबी से कहता है कि आज मैं यहाँ आया तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। उसे वो बहुत पसंद आई थी। मार्टिन की कली जो हायर एजुकेशन के लिए चली गई थी, वो जरा कुछ काम से फिर से वापस आई। वो आज उसे कहती है कि आज तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना ही पड़ेगा। वो उसे मना नहीं कर पाया। वो इस बारे में गैबी को मैसेज करता है। गैबी ने भी डिसाइड किया कि वो उस पार्टी में जाएगी। ये दोनों पार्टी में गए और किसी और के साथ इंटीमेट हो गए। गैबी ने मार्टिन पर चीट किया तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो उसके पास आए, रोकर उसे सब कुछ सच बता देती है। मार्टिन कहता है कि मैंने भी तुम पर चीट किया। ये दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं। इनको अपनी रिलेशनशिप नहीं तोड़नी थी तो डिसाइड किया एक थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, अपनी रिलेशनशिप पर काम करेंगे। जो ये एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं, ये कभी भी किसी के साथ भी नहीं किया। थेरेपिस्ट ने इनसे सेपरेट सेपरेट सेशन किया। वो मार्टिन से पूछता है, तुमने चीट क्यों किया था? वो कहता है, मुझे लाइफ में कुछ एक्साइटिंग चाहिए था। यही आंसर गैबी का भी था। थेरेपिस्ट इन दोनों से बात करता है, कहता है, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को लेकर ट्राई करो, इससे तुम्हारी रिलेशनशिप बहुत पावरफुल होगी। इन दोनों ने फिर बात की कि फर्स्ट टाइम में किसके साथ इंटीमेट हुए थे। मार्टिन को एक बात खाए जा रही थी। कहता है, जब मैं छोटा था तो अपनी सिस्टर को शावर में देखता था। उसे लगता है कि गैबी को अगर ये बात पता चले तो उसे मॉन्स्टर समझेगी। गैबी कहती है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, छोटे बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, इसी वजह से ये सब वो करते हैं। एक दूसरे के सीक्रेट्स जानने के बाद एक दूसरे से और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। आज जब इंटीमेट हुए तो इसमें कुछ अलग ही पैशन था। ये दोनों फिर मिलकर डिसाइड करते हैं, एक दूसरे से कभी भी झूठ नहीं कहेंगे। अगर उन्हें कोई और अच्छा लगता है तो उसके साथ वो इंटीमेट हो सकते हैं, और बाय द एंड ऑफ द डे ये एक ही रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इसी तरीके की ओपन रिलेशनशिप अब ये ट्राई करने वाले हैं। एक दिन ये दोनों एक पार्टी में गए। मार्टिन को एक लड़की अच्छी लगी थी तो गैबी कहती है, तुम जाओ और उसके साथ बात करो, मैं तुम दोनों को देखती रहूंगी। इसी पार्टी में गैबी लैरी से मिलती है। लैरी एक मिडिल एज का मिलीनियर है। गैबी को उसे बात कर हैंग आउट कर अच्छा लगा। पार्टी खत्म हो जाने के बाद गैबी और मार्टिन ये दोनों एक साथ घर गए। गैबी उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे सामने लैप डांस लो। गैबी जब किसी और डेट पर होगी तो मार्टिन उस पर नजर रखना चाहता था। ये भी वो ट्राई करते हैं। ये सब चीजें करने की वजह से एक दूसरे से और भी अट्रैक्टेड हो गए थे। एक दिन ये दोनों एक लड़की को भी घर पर लेकर आए, उसके साथ इंटीमेट हो गए। इनकी जिस तरह की रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को लेकर एक ऑथर ने बुक लिखा था। वो इस ऑथर से कहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रही है। ऑथर उनसे कहती है
ये जो भी आप कर रहे हो या आपकी रिलेशनशिप के लिए सिर्फ एक स्टेप है, इसी तरीके से वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस बात को इन दोनों ने सीरियसली नहीं लिया। लैरी ने गैबी को अपनी बोट पर इनवाइट किया था, तो वहां वो चली जाती है। लैरी गैबी से पूछता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है पर फिर भी तुम यहाँ हो। गैबी अपनी रिलेशनशिप के बारे में उसे एक्सप्लेन करती है। लैरी कहता है कि ये चीज वर्क नहीं करेगी, हर एक रिलेशनशिप एक ट्रांजैक्शन होती है। फाइनली इस वर्ल्ड में आदमी अकेला ही होता है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कंपनी ढूंढता रहता है। इसी वजह से गैबी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। इसके पैरेलल में मार्टिन अपने फ्रेंड के साथ था। उसका फ्रेंड उसे पूछता है, या इन सब चीजों से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? मार्टिन कहता है, गैबी किसी और से सेटिस्फाइड नहीं होती, फाइनली वो मेरे पास ही आ जाती है, इसी वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मार्टिन आजकल जरा टेंशन में था। एक दिन वो बार में गया तो उसके गैबी की फ्रेंड जिसका नाम है ब्लेक, उसे वहां मिली। ये उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लग जाती है। वो उसे कहती है, तुम कोई ना कोई चीज को लेकर टेंशन में हो, मुझे बता डालो। मार्टिन को नहीं बताना था पर फिर भी उसके फोर्स की वजह से वो बता देता है। वो कहता है कि मुझे अभी अभी पता चला मेरी गर्लफ्रेंड को बेबी हुआ है। वो जब रिलेशनशिप में थे तभी भी उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी, उसका मिसकैरेज हो गया। उस वक्त तो उससे सही से बात नहीं कर पाया, उसी वजह से रिलेशनशिप टूट गई। उसे लगता था कि वो हमेशा उसके लिए है, पर उसकी गर्लफ्रेंड लाइफ में सही तरीके से मूव ऑन कर चुकी है, तो अपसेट था। ब्लेक रियलाइज करती है कि मार्टिन को यह सब बातें गैबी को बतानी चाहिए। वो अनकंफर्टेबल होकर यहां से चली गई। मार्टिन इन सब बातों से बहुत डिस्टर्ब हो गया था। वो रात में गैबी के पास आया, उसे बात करना चाहता था पर गैबी बहुत थक चुकी थी। वो रात में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की सब फोटोज उसकी वीडियोस देखता रहता है। इसके बाद गैबी फिर से लैरी के साथ डेट पर गई। आज रात ये दोनों इंटीमेट हो गए थे। अगली सुबह जब ये मार्टिन को पता चला तो इस बात से वो जेलस था। अगले दिन जब गैबी अपने फ्रेंड से मिली तो उसे पता चला मार्टिन और ब्लेक ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मार्टिन ने उसे जो जो कहा था इस सब कुछ गैबी को पता चल गया। वो इस बात से बहुत गुस्सा हो गई। वो मार्टिन का लैपटॉप चेक करती है, यहाँ उसे पता चला कि मार्टिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ईमेल लिख रहा था। मार्टिन के घर आने पर इस बात से इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। वैसे कहती, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? मार्टिन कहता है, तुम भी लैरी को डेट कर रही हो। लैरी ने गैबी को एक नेकलेस दिया था, इसके बारे में मार्टिन को पता नहीं था, अब उसे पता है तो कहता है, तुमने इसके बारे में भी मुझे नहीं बताया। गैबी चाहती थी कि उससे बात करे, पर मार्टिन कहता है, मैंने कोशिश की थी। इन दोनों ने एक दूसरे से बहुत बुरी बातें की। गैबी घर छोड़कर लैरी के साथ रहने लग जाती है। एक दिन मार्टिन अपने फ्रेंड के साथ था तो कहता है, रिलेशनशिप इस तरीके से नहीं होती, जब भी तुम्हें लगता है तो ब्रेकअप कर लेते हो, किसी और को डेट करने लग जाते हो। जब आप किसी से प्यार करते हो तो रिलेशनशिप को लेकर वर्क करना पड़ता है, आप में फाइट्स होगी पर फिर भी आपको उस पर्सन के साथ ही रहना है। इस तरीके से अगर तुम गिव अप करते रहे तो कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगी। लैरी के फ्रेंड ने एक बार अपनी ग्रैंडफादर से पूछा था कि सक्सेसफुल मैरिज क्या होता है। ग्रैंडफादर ने कहा कि ऐसे कपल जो कभी भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते, कुछ भी हो जाए हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। मार्टिन के फ्रेंड ने उसे कहा, यह सब चीजें बहुत ही सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेट मत करो। जब गैबी लैरी के साथ थे तो कहता है, मुझे मेरे बिजनेस के लिए 3 महीने के लिए जरा ट्रैवल करना पड़ेगा। वो गैबी को भी उसके साथ आने के लिए कह रहा था। गैबी इस पर सोचने वाली है। लैरी कहता है कि एक्स बहुत ही परफेक्ट है। गैबी को फिर से मार्टिन की याद आती है। मार्टिन ने कहा था कि छोटी छोटी चीजें होती है जिनका अगर आप ध्यान रखें तो चीजें ब्यूटीफुल हो जाती है। रिलेशनशिप में इन्हीं छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो मार्टिन से फिर से बात करना चाहती थी। आज रात लैरी के यहाँ पार्टी थी, इसी पार्टी में ब्लेक भी आई हुई है। गैबी को लगा था कि ब्लेक और मार्टिन दोनों इंटीमेट हुए थे, इस बात की वजह से वो बहुत ही अपसेट है और ब्लेक को इस पार्टी में नहीं देखना चाहती थी। वो बहुत अपसेट होके इस बारे में उसने लैरी से बात की। लैरी कहता है कि वो मेरी गेस्ट है, मैं उसे इस तरह से नहीं निकाल सकता। गैबी अपसेट होकर वहां से चली गई। एक दिन अचानक मार्टिन को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आया, वो उसे मिलना चाहती थी। मिलने के बाद मार्टिन उसकी बेबी के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो कहती है, मुझे बेबी होना ये मेरी लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है। वो मार्टिन से सॉरी कहती है। उसने कहा, हमारे रिलेशनशिप में मैंने सब चीजों को लेकर तुम्हें ब्लेम किया था। मिसकैरेज के बाद हम दोनों हर्ट थे, इस तरीके से हमें नहीं एक्ट करना चाहिए था। मार्टिन पूछता है, क्या तुम खुश हो? वो कहती कि हाँ।
पर इस तरीके से खुश होना उतना एक्साइटिंग भी नहीं है। कभी कभी उसे बोर भी होता है, पर फिर भी उसे यही लाइफ चाहिए। जिस तरीके से मार्टिन की लाइफ है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट के लिए वो लॉन्ग टर्म खुशी के बारे में कभी भी नहीं सोचता, एक स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं जाता। इन सब चीज़ों से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तंग आ गई थी और अब वो एक स्टेबल रिलेशनशिप में है। वो कभी कभी बोर लग सकती है, पर फिर भी अल्टीमेटली यही हमें खुशी देती है। मार्टिन अकेला पड़ चुका था, उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन लैरी और गैबी फिर से बात करते हैं। लैरी कहता है, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो? गैबी कहती है, कल रात जो हुआ क्या उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे? लैरी कहता है कि तुम सिर्फ जरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो गैबी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, उसे लगता है कि गैबी किसी भी चीज को लेकर सीरियस नहीं है, इसी वजह से हमेशा डेटिंग करती रहती है। लैरी उसके साथ है क्योंकि उसे लगता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। गैबी उसके साथ रहेगी, इसके बदले में वो पूरा वर्ल्ड उसे घुमाएगा। ये सब बातें गैबी को सही नहीं लगी। गैबी उसे कहती है, तुम जो बात कर रहे हो ये सिर्फ तुम्हारे लिए सही है, वो इस तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। लैरी की लाइफ फिगर आउट है, उसे कोई भी चीज के बारे में वरी नहीं करनी। गैबी ने रियलाइज किया कि उसने अपनी लाइफ अब तक स्टार्ट भी नहीं की। उसने रियलाइज किया है कि वो मार्टिन से बहुत प्यार करती है, उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। मार्टिन के पास आकर उसने कहा, मुझे कुछ सीरियस चाहिए जिसे मैं अपना मान सकूं। मुझे लगा था कि मुझे नहीं चाहिए, पर मैं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैं अगर इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालूंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। जब मैं तुम्हारे साथ थी तो हमारी रिलेशनशिप इसी मैजिक की तरह थी। मार्टिन भी बहुत हर्ट था, पर वो गैबी से ही प्यार करता है। वो कहता है, पहले हम जो भी कर रहे थे ये कुछ भी नहीं चलेगा। गैबी भी इसके लिए मान जाती है। गैबी को पता है उसे भी पहली तरह कुछ भी नहीं चाहिए। मार्टिन कहता है, हम दोनों एक दूसरे से बोर्ड हो जाएंगे। गैबी कहती है, फिर भी हम एक साथ रहेंगे, हम अपने आप को याद दिलाते रहेंगे क्यों हमें एक साथ रहना है, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इन दोनों ने प्रॉमिस किया एक दूसरे को अनाय करेंगे, फाइट करेंगे, फिर भी हमेशा एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि प्यार के लिए हमें झगड़ना पड़ता है, पर अल्टीमेटली एक दूसरे का साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी एक पावरफुल मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी की रिलेशनशिप, इसकी सेटिंग्स ये शायद गलत लग सकती है, पर बिहाइंड द स्टोरी अगर हमने इस बारे में सोचा तो एक बहुत पावरफुल सा मैसेज ये मूवी देकर गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।